आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। कांग्रेस ने आखिरकार जो बंडखोर लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और विलास पाटिल को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। मगर विलास पाटिल हमेशा अपने बयानों में यही कहते हुए नजर आए हैं कि मैं जीतूंगा तो महाविकास अघाड़ी में ही जाऊंगा। वंडी का नंबर वन SVC इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर, फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी। 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रुपए में, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रुपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर, और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर ना थी। एड्रेस SPC इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। कहते हैं इलेक्शन में सब जायज है, क्योंकि ये एक ऐसा मैदान है जहां लोग अपने धर्म, ईमान और जमीर को बिना हिचकिचाहट बेच देते हैं। जिसकी मिसाल है, और वो भी ताजा मिसाल है, निसार मास्टर। क्योंकि कुछ रोज पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से वो कौम मिल्लत, अकलियती और उलमाओं की मुत्तहदी की बात कर रहे थे, और पता नहीं हमारे चैनल से वार्ता करते करते वो वहां तक कैसे पहुंचे। क्या ये दाव विलास पाटिल के करीब जाने का था या किसी और चीज के लिए? दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, लुंगी में स्वामी नारायण मंदिर के हॉल में कौमी यकजहती का ज्ञान देते हुए निसार मास्टर अपने कपकपाते हुए हाथों में माइक पकड़कर अल्लाह रसूल की बातें हुए करते नजर आए। हम तो परेशान हो गए कि एक मंदिर के हॉल में अल्लाह रसूल की बात। दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, लुंगी में इस तरह का ज्ञान बांटते बांटते कहीं ऐसा ना हो कि विलास को इलियास बना दे। क्योंकि पिछले लोकसभा में लोगों ने, मुसलमानों ने बालिया मामा को बिलाल मामा बोलना तो शुरू कर दिया था। कहीं ये इलेक्शन भी ऐसा ना हो कि लोग विलास को इलियास बोलने लग जाए। क्योंकि इस मंदिर में जन समर्थन का प्रोग्राम था, अब नेता बिचारा क्या करे, इसलिए दोनों कश्तियों पर पैर रखे हुए हैं। मगर डुबाएगी कौन सी कश्ती ये तो आने वाला तूफान ही बताएगा। मगर जिस तरह से सालों से भिवंडी का विनाश होता हुआ आ रहा है, इसलिए आज सारे लोग विकास की बात कर रहे हैं और उसकी बात करने पर मजबूर है। मजबूरी इसलिए क्योंकि ये मजबूरी हर साल होती है कि विकास नहीं हुआ, विनाश हो गया। मगर क्या करे, ये एक रिकॉर्ड 5 साल के बाद फिर बजने लगता है। यही तो भिवंडी के कमाल की बात है कि एक उड़ान पुल पर करोड़ों की लागत से पैसा खर्च होता है और चंद ही सालों में वो जर्जर भी हो जाता है। फिर से उस पुल पर रिपेयरिंग होती है और उस पुल पर फिर से करोड़ों रुपए खर्च हो जाती है, मगर मामला जो कि तू अब भी उस पर से हैवी गाड़ी चल नहीं पाती। तो ये है हमारे भिवंडी का वी। इलेक्शन आता है और लोग हमेशा की तरह रोटी पर 2 बोटी रखकर मुंह में लॉलीपॉप लेकर चूसते रहते हैं और अगले 5 साल का इंतजार करते हैं। बस यही हमारी जिंदा दिल्ली का एक सबूत है।